तो हेलो गाइस, अगर आप गोवा गए होगे तो आपको हर गली में क्लब और हर कपड़े की दुकान में 150 वाली टी शर्ट के अलावा एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। बड़े बड़े सिटीज जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, वहाँ पे भी वो चीज देखने को नहीं मिलेगी, और वो है कैसीनोज। और कैसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग गैम्बलिंग करते हैं, यानी जुआ खेलते हैं। और इंडिया में गैम्बलिंग एक स्टेट मैटर है, मतलब गैम्बलिंग पर जो भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। और पूरे इंडिया में बस 3 जगह कैसीनोज है, सिक्किम, गोवा और दमन। यहाँ तक कि इंडिया में कुल 20 कैसीनोज हैं और उसमें से 15 गोवा में हैं। और आपने गोवा में एक और चीज नोटिस करी होगी कि ये जो कैसीनोज होते हैं वो पानी वाले सिप्पे क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि गैम्बलिंग इंडियन लैंड पर अलाउड नहीं है। तो बिजनेसमैन ने सोचा इंडियन लैंड पे अलाउड नहीं है तो चलो पानी में ही खोल लेते हैं, इसलिए गोवा में कैसीनोज सिप पर ही होते हैं। और ये कैसीनोज का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इंडिया का गैम्बलिंग बिजनेस करीब $60 बिलियन है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।